अररिया न्यूज, एक नजर हर खबर। नगर परिषद अररिया का पौश इलाका सिपुरी का पश्चिमी भाग स्थित भूदान टोला बारिश के पानी से हुआ जलमग्न। वार्ड नंबर 9 का भूदान टोला बरसात के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गया है। भूदान का कोल्ड स्टोर वाली रोड से पूर्वी इलाके के लोग आज 3 से 4 फीट पानी के बीच रहने को विवश हैं। शहरी क्षेत्र में रहने के बावजूद यहां जल निकासी की व्यवस्था फेल है। सामाजिक कार्यकर्ता सह नगर पार्षद प्रतिनिधि ने आज अपने सहकर्मी वार्ड वासियों के साथ पूरे इलाके में जल जमाव वाले क्षेत्र में पैदल चलकर वहां रहने वाले लोगों के हालचाल को जाना और उनकी समस्या व परेशानी को सुना और देखा। श्री आनंद ने बताया कि भूदान टोला का जल जमाव वाला ये भाग का जमीन लेवल शिवपुरी एवं आसपास के सभी भाग से काफी नीचा है, जिस कारण इस क्षेत्र में काफी जल जमाव लगभग 3 से 4 फीट हो जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 70% लोगों के घरों शौचालय में पानी घुस गया है। चापाकल रसोई घर चूल्हा पानी में डूब गया है। लोग काफी दिक्कत में हैं। वे अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना पा रहे हैं। परिवार के लोगों को शौचालय की दिक्कत हो रही है। कुछ लोग घरों में पानी घुस जाने से अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं। इस इलाके की यह स्थिति लगभग 3 माह तक रहती है। बच्चे बूढ़े काम पर आने जाने वाले सभी इस जल जमाव से परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विनाश आनंद ने बताया कि भूदान टोला में 3 सरकारी विद्यालय संचालित हैं। तीनों विद्यालय परिसर में 1 से 2 फीट तक पानी का जमाव बरसात के दिनों में रहता है। जिला मुख्यालय में रहने के बावजूद लोग जल जमाव के बीच नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। जल जमाव का ये पानी धीरे धीरे दूषित होकर इस इलाके में महामारी, चर्म रोग सहित अन्य बीमारी को बढ़ावा देगा। नगर प्रशासन को तत्परता दिखाते हुए इस इलाके के जल जमाव की निकासी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। महामारी को रोकने के लिए चूना ब्लीचिंग का नियमित छिड़काव, चापाकल के पानी को शुद्ध करने के लिए हेलोजन टैबलेट का वितरण तथा इन इलाकों के सड़कों का निर्माण जमीन तल से कम 4 फीट ऊंचा करवाना चाहिए, ताकि इन इलाकों के लोगों को राहत मिल सके एवं नगरी सुविधा का उपभोग कर सके। संपर्क कर पूछे जाने पर इस समस्या पर नगर पार्षद दीपा आनंद ने बताया कि भूदान टोला के निचले इलाके और सड़कों पर जल जमाव की समस्या विकराल है। वहां रहने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों के कच्ची सड़कों पर मिट्टी और राबिश गिराकर समतल करने के लिए कई बार नगर परिषद को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा इस पर अब तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सका है। कई बार इन इलाकों के सड़कों पर मेरे द्वारा निजी कोष से मिट्टी, राबिश तथा जेसीबी मशीन से समतल करवाया गया, जो इस जल जमाव के सामने नाकाफी है। तात्कालिक इन इलाकों के सड़कों को समतल करने में लगभग 4000 हेक्टेयर मिट्टी या राबिश की आवश्यकता होगी, जिससे यहां के लोगों को तत्काल राहत मिलेगी। आने वाले समय में अगले बरसात से पूर्व नगर परिषद अररिया इन सड़कों का पक्कीकरण करवा जल जमाव से यहां के लोगों को मुक्ति दिला सकती है। मैं चाहूंगी कि नप के मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, कनी अभियंता जल जमाव वाले क्षेत्र का खुद निरीक्षण कर और सर्वे कर यहां के निवासियों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का हर संभव कार्य करे। जल जमाव क्षेत्र भ्रमण के दौरान कर संग्रहकर्ता अनंत किशोर ठाकुर, नन्हे प्रियदर्शी और समस्या सुनाने में यहां के निवासी डॉक्टर आर.एन. भारती, संजीत मंडल, रितेश कुमार यादव, आनंद कुमार, मोतीलाल शर्मा, राजेश भरदार, खगेंद्र विश्वास, मुनचुन राय, प्रदीप मंडल, अरविंद कुमार साह, आनंद भगत, शंभू यादव, प्रीतम मंडल, मिथिलेश साह, सैम समगुन पास्टर, जूली देवी, सुनीता देवी, पंकज शर्मा, विकास यादव, धीरज शर्मा, श्याम सिंह, मुकेश साह, कुंदन मंडल, रीता देवी, कौशल्या देवी, सीमा देवी, गीता देवी मौजूद थे। ये अररिया नगर परिषद का नाक कहे जाने वाला सिपुरी वार्ड नंबर 9 का ही इलाका है। भूदान टोला, भूदान टोला के नाम से इनको जाना जाता है और ये भूदान टोला का पोस इलाका है। यहाँ के लोगों के द्वारा लगभग 1-1.5 महीने से मुझे टेलीफोनिक, सोशल नेटवर्क के माध्यम से, अन्य माध्यमों से शिकायत मिल रही थी कि भारी जल जमाव यहाँ हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बच्चों को, महिलाओं को, खास करके काम करने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल की स्थिति भयावह होने के कारण लोग 3-4 महीने तक अपने घर के कार्य को या अपने घर में आने वाले अतिथि को अपने घर तक नहीं बुला पाते हैं। घोर मानसिक समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। इस संबंध में कई बार मेरे द्वारा नगर प्रशासन को
लिखित रूप में आवेदन दिया गया कि भाई ये जो इलाका है सिपुरी का वार्ड नंबर 9 का सबसे निचला इलाका है, कम से कम इन इलाकों में कच्ची सड़कें जितनी भी है वहाँ पे मिट्टी भरवाने का काम आप करें, राविस गिरवाने का काम करें, फिर जब फंड आएगा फिर या कुछ इस तरह का कोई काम होगा तो नए सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन कम से कम मिट्टी और राविस गिराकर यहाँ के आम लोगों का आवागमन को अगर सुचारू कर दिया जाता तो लोग आसानी से अपने घर से बाहर अपने ज़रूरत के सामान के लिए या काम के लिए घरों से निकल पाते, महिलाओं को खाना बनाने में या घर के अन्य काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती, बच्चों को कठिनाई नहीं होती। इन समस्याओं को अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था तो बार बार मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि जो लोग यहाँ का समस्या का जो शिकायत हमसे कर रहे हैं सही माने में क्या उनकी स्थिति ऐसी है। इसको देखने के लिए आज हम अपने वार्ड के कुछ सहयोगी और जो हमारे वार्ड नंबर 9 के कर संघर्षकर्ता हैं अनंत किशोर ठाकुर जी, इनके साथ हम खुद जो ये 1 किलोमीटर का लंबा सा रोड है, लंबा क्षेत्र है, उसमें पूरे जल जमाव वाले क्षेत्र में खुद घूम रहे हैं यहाँ के आम लोगों के साथ और देख रहे हैं कि इसकी गहराई और पानी का स्तर जो है जमीन के स्तर से कितना ऊंचा है वो देखने में एकदम स्पष्ट हो पा रहा है। 3.5 से 4 फीट तक जल जमाव है, लोग गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, तकलीफ में जूझ रहे हैं। हम मांग करना चाहते हैं हमारे तेज तरार माननीय मुख्य पार्षद जी से, कार्यपालक पदाधिकारी जी से, कि इस मुद्दे को जनहित की समस्या पे संज्ञान लेते हुए अविलंब जितना आपसे संभव हो सके इस रास्ते को चलने योग्य बनाए। मैं खास करके मांग करना चाहूँगा अपने बड़े भाई सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी से कि ये आपके शहरी क्षेत्र का इलाका है, इसी शहरी क्षेत्र में आप भी निवास करते हैं और आपके गिरी वार्ड के एकदम सटे हुए पड़ोसी वार्ड है ये, तो आप भैया आपसे आग्रह है कि आप भी इस पे अपने स्तर से संज्ञान लें, जिला पदाधिकारी को निर्देशित करें कि जो लोग यहाँ पे समस्या से जूझ रहे हैं उसका निदान कैसे हो, लोगों को जल जमाव की समस्या से ना जूझना पड़े ना पानी में चलना पड़े, इसका निदान जितना जल्द से जल्द हो सके किया जाए।